वैलेंटाइंस डे स्पेशल लव आजकल 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस मूवी ने काफी लोगों को कर दिया है डिसअपॉइंट, क्योंकि लोगों को मूवी पसंद नहीं आई। और अगर आपने आईएमडीबी की अभी तक की रेटिंग देखी हो तो 3.9 है, जो कि बहुत ही वर्स्ट है किसी मूवी के लिए फर्स्ट डे। और कलेक्शंस की बात नहीं होती, बात होती है मूवी की, स्टोरी की, स्क्रीन प्ले की। मूवी में स्टार कर रहे हैं कार्तिक आर्यन, सारा अली खान और आयुषी शर्मा, जिनकी ये पहली मूवी थी। बट ऑनेस्टली यार, ट्रेलर भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं था, ट्रेलर में इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि मूवी इस तरह की निकलेगी। ऑनेस्टली किसी भी स्टार की ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यार मूवी में किसी का एक रोल ऐसा होता है जो पूरी मूवी में जान डाल देता है और वो पूरी मूवी की गलतियां और हर चीज़ को कवर कर देता है कि यार स्टार ने क्या परफॉर्मेंस दी है कि सब चीज़ें बंदा भूल जाए। तो इस मूवी में रणदीप हुडा भी हैं, जिन्हें मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। रणदीप हुडा की सोलो मूवीज़ जो है मैंने बहुत देखी हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग मुझे लगती है उनकी, और उनका उनके कैरेक्टर से ये मूवी की स्टार्टिंग है, जिससे कि उनका एक कैफ़े होता है और सारा अली खान जो है वो उसी कैफ़े में आकर अक्सर बैठती हैं और उनसे मिलती हैं, और इट्स काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप कैरेक्टर विद रणदीप हुडा। लेकिन आई नो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि उनका एक फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है, और साथ में जो है कार्तिक आर्यन से भी उनकी वहीं पर मुलाकात होती है। तो अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन का रोल बस नॉर्मल था, कुछ खास नहीं और नथिंग स्पेशल, लेकिन सारा अली खान की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग थी, जो कि एक उभरते हुए स्टार के लिए अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि वो एक अच्छी स्टार बनती जा रही है और बहुत लोग उन्हें सर्च कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक बात अच्छी नहीं होती। आयुषी शर्मा का जो रोल था वो बहुत अच्छा था, और जैसे कि उनकी पहली मूवी थी सो इट वाज नॉट बैड, इन दोनों के मुकाबले में उनका रोल फिर भी बहुत बेहतर था। तो जिक्र करना चाहूँगा कि कल मैंने एक मूवी के ट्रेलर का रिव्यू किया था अंग्रेज़ी मीडियम का, और इसका बताने का मकसद ये कि मेरी एक थिंकिंग है कि जिस मूवी का जैसे पहला पार्ट होता है उसका सेकेंड पार्ट आता है, तो पहले पार्ट के मुताबिक सेकंड मूवी वैसी मज़े की नहीं होती। अंग्रेज़ी मीडियम का ट्रेलर बहरहाल बहुत बेहतर था, बहुत ज़बरदस्त था, और जैसे कि उसमें इरफान खान स्टार कास्ट में है तो आपको पता है मूवी कैसी हो सकती है, और उस मूवी की बात नहीं हो रही, बहरहाल बात हो रही है इस मूवी की। तो जैसे मैं एक जैसे मेरी थिंकिंग है, जैसे कि लव आजकल का पहला पार्ट था सैफ अली खान और दीपिका की जो मूवी थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को इस मूवी से रिलेट करने से लोगों में काफ़ी क्रेज़ था कि यार इसी मूवी का दूसरा पार्ट आ रहा है, क्योंकि उस मूवी को लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत इन्जॉय किया था। लेकिन इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए थे, और मूवी देखने के बाद तो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा उनको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं गई तो वैलेंटाइंस डे अपने दूसरे लोगों के साथ, आप स्पेशल लोगों के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मूवी अगर बुरी चली गई, नेक्स्ट टाइम और अच्छी अच्छी मूवीज़ भी, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ भी इन फ्यूचर आने वाली हैं। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो और कोई खामी लगे तो आप ज़रूर कमेंट में अपना इजहार कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, टेक केयर, गुड बाय।